हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शो योर टैलेंट में। वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको ये ध्यान दिला दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, कोरोना का संकट तो ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रहा। एक तरह से कहें तो 2020 तो पूरा कोरोना के संकट में ही हम सब ने बिताया है। अब हम लोगों को 2021 से काफ़ी सारी आशाएं हैं और ईश्वर की कृपा से 2021 बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही खुशी से बीते, ये सब कामना भी कर रहे हैं। मगर ऐसे में एक भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने कोरोना की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने 2021 के लिए भी कुछ खास और इम्पोर्टेंट भविष्यवाणियाँ की हैं। वैसे भविष्यवाणियाँ करने वाले तो बहुत लोग हैं और कौन सी भविष्यवाणी सही साबित होती है गलत, ये तो सिर्फ समय आने पे ही पता चल सकता है। मगर ये जो एक भविष्यवक्ता है, उन्होंने 2021 में एक फ्लू की बारे में भविष्यवाणी कर दी है जो कि थोड़ी चिंताजनक है, मगर जो होगा वो देखा जाएगा और कोई ऑप्शन भी नहीं होगा फेस करने के अलावा। तो इसी से रिलेटेड मैं आज का ये वीडियो लाई हूँ। आप इस वीडियो को सिर्फ सुने और अच्छा समय या बुरा समय आए वो तो सिर्फ हमें समय आने पर ही पता चल सकता है। साल 2020 पूरी दुनिया के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं रहा। कोरोना महामारी ने विश्व भर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी, भले ऐसे दौर की किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये साल उस रोलर कोस्टर सवारी की तरह रहा जिसमें उतार चढ़ाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब जैसे जैसे ये साल खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है, हम में से हर कोई अगले साल की ढेरों उम्मीदें लगाए बैठा है। साल 2020 में लोग एक जानलेवा महामारी से जूझने में लगे रहे। इससे पहले जंगल की आग, तूफान, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने भी काफी परेशान किया। इस बीच निकोलस ओजुला नामक एक मनोवैज्ञानिक ने अगले साल की दस्तक देने से पहले कई भविष्यवाणियां की हैं। इससे पहले ओजुला कोरोना महामारी की भी भविष्यवाणी करने का दावा कर चुके हैं। साल 2021 के शुरू होने से पहले निकोलस ओजुला ने कई भविष्यवाणियों के सच होने का दावा भी किया है। साल 2021 के लिए निकोलस ओजुला की प्रमुख भविष्यवाणियां जो उन्होंने बताई हैं वो हैं, पहली उन्होंने बताई है कि दुनिया भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और अशांति का माहौल बरकरार रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी है उनकी, इसके साथ ही उन्होंने पिक फ्लू बीमारी के बारे में भी बताया है। तीसरी, ओजुला ने अपनी भविष्यवाणी में एक बड़े नेता की हत्या होने की बात कही है। चौथी, एक बड़ा सेक्स स्कैंडल विश्व शिखर सम्मेलन को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने यह भी संभावना जताई है कि दक्षिणी यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका की राजनीति में वृद्धि देखने को मिलेगी। पांचवी भविष्यवाणी, ओजुला ने अगले साल के लिए ज्वालामुखी विस्फोट और प्रमुख मौसम परिवर्तन की भविष्यवाणी भी की है। और छठवीं भविष्यवाणी उनकी ये है कि नताली पोर्टमैन और किम कार्दशिया के दिल टूटने की भविष्यवाणी की है ओजुला ने। और उन्होंने ये भी इस बात की संभावना जताई है कि टॉम क्रूज दिल की किसी समस्या से भी जूझ सकते हैं। और ओजुला का कहना है कि वे अपने पिछले जीवन के कई दृश्य देख सकते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका के चुनाव में ट्रंप की हार की भी कल्पना की थी। दोस्तों, ऐसे में निकोलस ओजुला की कौन सी भविष्यवाणी सही साबित होगी और कौन सी गलत, ये तो 2021 और समय आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल तो हम बस ये काम ना कर सकते हैं कि ईश्वर सभी अच्छी भविष्यवाणियां तो सत्य साबित कर दे और सारी जो भी डरावनी और बुरी भविष्यवाणियां हैं वो सारी गलत साबित हो जाए। हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि 2020 जैसा साल पूरा डर और संकट और चार दीवारी के अंदर कैद होकर के हम सबको बिताना पड़ा, हम सब विवश हो गए और पूरी ज़िंदगी मतलब एक तरह से थम गई और बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना ही नहीं, फाइनेंशियल भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत ही दुखद और बहुत ही बुरा साल 2020 रहा, मगर 2021 से हम सभी आशा और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये सारी भविष्यवाणियाँ गलत साबित हो जाएं जो कहती हैं कि 2021 में
फिर कोई कोरोना जैसा संकट आए किसी और बीमारी के रूप में, हम तो बस यही कहेंगे कि बस बहुत हुआ। और 2021 जैसे कि हम पहले कभी जिया करते थे बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के, जहाँ जहाँ आज़ाद घूम लिए, हम सब फिर आज़ाद पंछी की तरह से जिए।